हेलो दोस्तों, इजी टू लर्न बाय भी राकेश चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम देवी देवताओं के स्तोत्र, कवच आदि का पाठ सरलता से कैसे करें आप लोगों को बताते हैं। आज हम आप लोगों के लिए भगवान गणेश का एक कवच लेकर आए हैं, जिसे हरिद्रा गणेश कवच कहते हैं और यह विश्वसार तंत्र से लिया गया है। भगवान गणेश के हरिद्रा रूप की पूजा माता बगलामुखी के साथ विशेष रूप से की जाती है। वैसे तो किसी भी पूजा पाठ के प्रारंभ में भगवान गणेश की पूजा की जाती है, पर विशेष रूप से हरिद्रा गणेश के रूप में माता बगलामुखी के साथ सबसे उत्तम रहता है। श्री गणेशाय नमः। ईश्वर उवाच, श्रेणु वक्ष्यामि कवचम सर्वसिद्धिकरम प्रिये पठित्वा पाठयित्वा च मुच्यते सर्वसंकटात् अज्ञात्वा कवचम देवी गणेशस्य मनुं जपेत सिद्धिर् न जायते तस्य कल्पकोटि शतैर अपि। मतलब बिना कवच के पाठ के कल्पकोटि में भी, मतलब करोड़ों कल्प में भी सिद्धि नहीं मिलती है। मूल पाठ यहाँ से शुरू होता है। ओम आमोदश्च शिरः पातु प्रमोदश्च शिखोपरि सम्मोदो भ्रूयुगे पातु भ्रूमध्ये च गणाधिपः गणाक्रीडो नेत्रयुगम नासायां गणनायकः गणक्रीडान्वितः पातु वदने सर्वसिद्धये जिह्वायां सुमुखः पातु ग्रीवायां दुर्मुखः सदा विघ्नेशो हृदये पातु विघ्ननाथश्च वक्षसि गणानां नायकः पातु बाहु युग्मं सदा मम विघ्नकर्ता च हय उदरे विघ्नहर्ता च लिंग के गजवक्त्रः कटिदेशे एकदन्तो नितंबके लंबोदरः सदा पातु गुह्य देशे ममारुणः व्यालयज्ञोपवीति मां पातु पादयुगे सदा जापकः सर्वदा पातु जानुजंघे गणाधिपः हारिद्रः सर्वदा पातु सर्वांगे गणनायकः। तो कवच यहीं पर समाप्त होता है और अब यहाँ से फल श्रुति का भाग है। या इदं प्रपठेन नित्यं गणेशस्य महेश्वरी कवचं सर्वसिद्ध आख्यं सर्वविघ्न विनाशनं सर्वसिद्धिकरं साक्षात् सर्वपाप विमोचनं सर्वसंपत्प्रदं साक्षात् सर्वदुःख विमोक्षनं सर्वापत्ति सर्व आपत्ति प्रशमनम सर्वशत्रु क्षयंकरम ग्रह पीड़ा ज्वरा रोगा ये च अन्य गुह्यक आदय पठनाद धारणाद एव नाशम आयन्ति तत्क्षणात् धन धान्य करम देवी कवचम सुरपूजितम समम नास्ति महेशानि त्रैलोक्य कवचस्य च हारिद्रस्य महादेवी विघ्नराजस्य भूतले किमन्यैर सद आलापैर यत्र आयुर्व्यत तामियात इति विश्वसारतंत्रे हरिद्रा गणेश कवचम संपूर्णम। हमें उम्मीद है आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। इस कवच स्तोत्र की पीडीएफ फाइल की एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।